हैं कुछ सटीक एक्सक्लूसिव्स के साथ, और अंतरिम बजट में महिलाओं पर खास फोकस हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज इस बात के संकेत भी दिए। उन्होंने कहा है कि सरकार का फोकस महिला सशक्तिकरण पर है। इधर हमें एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन ये भी मिली है कि अंतरिम बजट में महिलाओं के लिए 2 से 3 बड़ी योजनाओं का ऐलान हो सकता है। कौन से ये ऐलान है ये बताने के लिए लक्ष्मण रॉय हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्मण बताइए। देखिए, दरअसल बजट को लेकर अब तक कई सारे अटकलें शुरू हो चुकी हैं। लोग मान रहे हैं ये होगा वो होगा, लेकिन मुझे जो सूत्रों से जानकारी मिली है, ठोस जानकारी मिली है, वो ये कि इस बजट में जिन मुद्दों पर खास फोकस रहने वाला है उनमें से एक मुद्दा है महिला। महिलाओं पर इस बार बजट में सरकार खास फोकस कर सकती है, और इसका संकेत प्रधानमंत्री ने अब से कुछ ही देर पहले दे ही दिया कि नारी शक्ति पर हम फोकस करेंगे। और जिस ज्ञान की थीम पर सरकार आगे बढ़ना चाहती है उसमें से एन का मतलब भी नारी शक्ति होता है। तो महिलाओं के लिए ठोस ऐलान, 2 से 3 बड़ी योजनाओं का ऐलान आप देख सकते हैं। सबसे ज्यादा जो संभावना जताई जा रही है वो ये है कि लाडली बहना स्कीम के तर्ज पर केंद्र सरकार को ये खास स्कीम नए नाम से शुरू कर सकती है। इसके तहत महिलाओं को, जो लड़कियां हैं, उनको सरकार इंसेंटिव देने का ऐलान कर सकती है। दूसरा, जो स्वयं सहायता समूह है, जो महिलाओं से नेतृत्व करते हुए स्वयं सहायता समूह है, उनके जरिए सरकार फाइनेंशियल इंसेंटिव, वित्तीय मदद देने का ऐलान कर सकती है। महिलाओं को रोजगार में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी मिल सके, इसके लिए भी कुछ ठोस ऐलान होने की संभावना जताई जा रही है। तो मुझे लगता है कि महिलाओं पर इस बार का बजट खास फोकस रहने वाला है, और चूंकि चुनावी साल है तो टैक्स पेयर्स, गांव, गरीब, किसान, ये सब तो फोकस में रह ही सकता है। ओके, तो चलिए, महिलाओं पर खास फोकस रहेगा, किसानों पर खास फोकस रहने की पॉसिबिलिटी है, तो नज़रें रहेंगी इस इवेंट पर, और देखना होगा कि क्या कुछ अनाउंसमेंट्स आती हैं इस बार। लेकिन बजट